ये खबरें हैं ऐसी जो बाकियों से है बिल्कुल हटकर, ऐसी हैं जो बिल्कुल गजब की हैं। आज हम शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी एक खबर से। कोरोना से परेशान लोग अब गधों को गले लगाकर घूम रहे हैं और इसी से सुकून पा रहे हैं। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। कोरोना वायरस जैसी जानलेवा महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है और अब इस जद्दोजहद में लंबे समय से लगे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और नर्सों को थकना शुरू हो गया है। यही वजह है कि अब मेडिकल स्टाफ डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में लगे ऐसे लोग अब गधों को गले लगाकर घूम रहे हैं। ये वाकया है स्पेन का। स्पेन में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को मुफ्त गधा चिकित्सा दी जा रही है ताकि वो तनाव से मुक्ति पा सके। इसे पशु सहायता चिकित्सा के रूप में माना जाता है। दूसरी खबर भी कोरोना से जुड़ी है। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर को डेवलप किया है, जिससे कोरोना से जंग में काफी मदद मिलने की बात कही जा रही है। इस इम्यूनिटी बूस्टर के दिसंबर 2020 तक बाजार में आने की उम्मीद है। इस इम्यूनिटी बूस्टर को क्लोन डील्स ने बनाया है, जिसका नाम कोरोना एड रखा गया है। इस इम्यूनिटी बूस्टर को एक मशरूम से डेवलप किया गया है, जिससे काफी राहत मिल सकती है। ये मशरूम हिमालय में उगता है। कर्नाटक में समुद्र में मछली पकड़ रहे मछुआरे उस वक्त बेहद चौंक गए जब उनके जाल में दो भारी भरकम समुद्री जीव फंस गए। मछुआरों ने जब इन्हें बाहर निकाला तो उन दोनों का वजन 750 किलो 200 ग्राम था। इस विशालकाय जीव के पकड़े जाने के बाद मछुआरा सुभाष अपनी नाव से नागा सिद्ध ले आया, लेकिन उसे उठाकर ट्रक में डालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। न्यूज़ तक ब्यूरो।